अभी जो क्वेश्चन ये है गुरु जी कि जो नए स्टूडेंट भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं या वोकल सीखना चाहते हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो वो हम आपसे बात कर सकते हैं वोकल का रियाज कैसे होना चाहिए, कैसे करें कि वो जो इम्प्रूवमेंट 50 साल में दिखना चाहिए वो 20 साल में दिख जाए या 10 साल में दिख जाए। जो सब एरिया में स्पेशली संगीत में विदाउट रियाज कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो व्हाट इज रियाज, यही पूछना है। तपश्चर्या, तपश्चर्या मीन्स द आयरन रॉड शुड गेट प्रॉपर पॉइंट ऑफ हीट सो दैट इट कैन बेंड लाइक अ रबर। तप मीन्स मेकिंग द हॉट। तपश्चर्या इन अ कॉमन लैंग्वेज यू कैन टेक इट एज रिपीटेशन। सपोजिंग यू आर टेकिंग ए प्रदक्षिणा राउंड अगेंस्ट सेंटर, इट मे बी ए स्टोन, इट मे बी एनी मेटल और एनीथिंग, वन राउंड नो इफेक्ट एट ऑल, सेकेंड राउंड little, third round, if you have make 100 round of the particular thing in the center, it start producing the energy. That is why we go to temple, pradakshina karte hain, to get that energy. And this is a great explanation. Whatever the god, goddess is, your, as per your belief. Wow. Amazing. Or you may not believe at all god, but energy is there. Which the whole cosmos is running. So tapascharya ke liye repetition karna zarurat hai. But every repetition mein your brain gets trained. Without training repetition is nil. It becomes a mad person doing something. The music comes to those who are very intelligent and intellectual. ढेर लोगों को संगीत नहीं आता, आलसी लोगों को संगीत नहीं आता। जो बुद्धू है उनको भी संगीत है। ही शुड बी अलर्ट, एक्टिव, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड, देन ओनली द आर्ट फॉर्म कम्स। अदरवाइज रेलवे में कुछ क्लर्क वगैरह के फाइंड आउट द जॉब। हियर यू आस्क मी how to practice, how much to practice, to reduce the number of days, months, year, to reach certain level in classical music. At what the blessings you are born. Okay. That is most important. Wow. It may require you to go to do something to achieve certain only 3 days. I may take a 5 days. Our date of birth may be same. Or we may be actually brothers or sisters. Parents are common. Phir bhi, everybody is born with a different level of talent, either in music or in art. In music, as I told you, samskar, previous janam ka samskar leke paida hona padta hai. And when he starts learning how to practice, the quality and the quantity, that is number of hours, differs from person to person, stage by stage. To practice, you need a potentiality. You need a stuff to practice. Mera paas stuff hi nahi. Kya practice karta hu? So achhe guru ke paas aap jaate hai na, wo bolte hai swar jnan, swar ko sur ko pakka karo. Sur gaya to sir gaya, aisa bolte hai. Sangeet mein sur ka hi
है और कुछ नहीं। आर्टिस्ट का ग्रेडेशन कैसा होता है, ये अच्छा कलाकार है, ही इज द बेस्ट वन, ही इज द बेस्ट वन, ही इज ओके, ही इज वेरी गुड, हाउ यू डिफर? नॉट बाय द नंबर ऑफ रागास ही सिंग्स, नॉट बाय द नंबर ऑफ रागास ही कैन प्ले, और नॉट बाय वेरी यू नो अननोन रागास एंड अप्रचलित रागास ही सिंग्स, सो ही इज अ बिग बैंग, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट कैटेगरी विल बी डिसाइडेड बाय द मैच्योरिटी ऑफ द आर्टिस्ट इज द प्योरिटी ऑफ नोट। जिसका सुर अच्छा है वो अच्छे कलाकार है, बिकॉज दैट सुर शुड टच योर हार्ट। इफ योर सुर गेट्स ऑफ बिफोर टचिंग माई हार्ट, वो सुर में इतना ताकत नहीं टू कैरी द मैसेज। सुर में इतना ताकत है, इतना स्ट्रांग होना चाहिए सुर। आई टोल्ड दैट द मैच्योरिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ द नोट्स। नोट्स को जो प्योरिटी करना है एवरी डे, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। इफ माई आई सिंग वन नोट, if that sa is such a powerful, it should come from me and it goes to the ear and your goes to the brain and goes to your heart, it touches, it kicks here, mera sa, that sur is perfect sur. Nahi to idhar se to light band ho jata hai, bulb jab kharab hota hai na, सुर इधर से निकलता है और इधर तक आने तक सुर चला जाता है, इधर तक चला जाता, हार्ट टच नहीं कर सकते। इफ यूर भाषा, यूर भाषा इज यूर म्यूजिक, इफ शी डजंट अंडरस्टैंड यूर भाषा, यू कैन नॉट इंटरैक्ट। इफ माय सुर डजंट टच द बॉटम ऑफ योर हार्ट, एंड व्हाट इज द फन ऑफ हैविंग इट ऑडियंस और गुरु गुनीजन। वी ऑलवेज टेल दैट ऑडियंस कॉन्ट्रीब्यूट मच मच टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्टिस्ट, टू ब्रिंग हिज फेम नेम एवरीथिंग, ऑडियंस कॉन्ट्रीब्यूट, बिकॉज लर्नड ऑडियंस टीच यू म्यूजिक। सिंगिंग बिफोर द गुरुजन एंड गुनीजन इज मोस्ट इट इज द टफेस्ट जॉब। अरे ऐसा नॉर्मल पीपल के सामने जिसको राग भूपाली एक है, शुद्ध कल्याण एक है, धिस्कार एक है, जैत कल्याण सब राग एक ही है, उसके सामने गा के क्या करो? गाना है तो गुरुजन के सामने गाना। सो सुर को पक्का करने का हमारा जो प्रयास है वही तपस्या है। मैंने इसके ऊपर एक चीज भी किया है, बहुत बेसुर गाता था मेरा एक शिष्य, कितना आई ट्राई टू टीच हिम, जब मेरे साथ गाता था थोड़ा सुर में गाता था, इवन इंडिपेंडेंट गाता था बेसुर ही गाता था। उनका सच के बारे में, ऋषभ के बारे में कुछ अंदाजी उनका नहीं मिल रहा था, इसलिए स्वर ज्ञान, लय ज्ञान, ताल ज्ञान बोलते हैं। इट इज नॉट ए नॉलेज, इट इज नॉट जस्ट नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसा होता है? तपश्चर्य से होता है। तपश्चर्य क्या होता है? रिपीटेशन से होता है। एवरी फॉर एग्जाम्पल श्री राम, श्री राम सेकंड श्री राम में हमारा उद्वेग था, हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो भावना, अवर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो इट बिकम्स द टेप रिकॉर्डर। श्री राम 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 टेप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हर एक राम इधर से अंदर से आना चाहिए। सो सुर को प्रैक्टिस करना सबको करना है, वेदर इज अ टैलेंटेड,
हाईली टैलेंटेड और मिनिमम टैलेंटेड सूर को पक्का कर। सड़ जय सूर सूर सब गे गावे सब को अरे आयुष्ट में कुछ करने का तो सुर साधना करो, बैठो एक जगह पर बैठ के इसको पक्का करो। सप्त सूरन सो सार समाय सड जगावे तो सब दिखलावे बार बार गुरुदास कहे जड़ज सूर। ए चीज आई कंपोज माई सेल्फ टू हेल्प माई शिष्य हुआ सिंगिंग दे सूर। देखिए व्हेन देयर इज द वन देयर इज द टू, इफ वन इज नॉट देयर वेयर इज टू, देयर व्हेन देयर इज द वन टू थ्री फोर एक जस्ट रिमूव द वन एवरी ऑल बिकम वन ओनली ऑल बिकम नथिंग। सो संगीत में सब सब स्टूडेंट को पहले सज साधना सड़ज साधना सा को पक्का करना है। सा एकदम टाइट है तो आपको ऋषभ का अंदाज आएगा, ऋषभ का दृष्टि आएगा। गुरु विल टीच यू, म्यूजिक में टीच क्या कर सकते हैं, म्यूजिक में टीचर बिकम्स जस्ट एन एक्सक्यूज। करना है आपको, मरना है आपको, गुरु कृपा है, गुरु ज्ञान देता है, गुरु के ऊपर विश्वास रखो, प्रैक्टिस करो, अनुभव लो, देन यू बिकम गुरु। सो एंड प्रैक्टिस ऑफ सा आर स्वर ज्ञान एंड कमिंग टू द सम यू मे आस्क व्हाट इज द एज when we should practice how much. Here the experience of guru so sur swar sadhana ye to hai lekin किसको क्या प्रैक्टिस करने का बोलने का, हाउ गुरु आइडेंटिफाई देयर आर थ्री स्टूडेंट्स ए बी सी, ऑल द थ्री स्टूडेंट मे ज्वाइन ऑन सिमिलर डे एंड ऑल द थ्री स्टूडेंट को राग भोपा ने शुरू किया, फिर भी ए का प्रैक्टिस करने का अलग है बी अलग है सी अलग। राग इज सेम डे दे हैव सेम एज ग्रुप सेम गुरुजी एवरीथिंग सेम स्टिल ईच स्टूडेंट प्रैक्टिस डिफरेंट वे बिकॉज द गुरु शुड आइडेंटिफाई व्हाट ही नीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल ब्रेथ जो है जो हमको दमसा सम बोलते हैं ना लंग्स कैपेसिटी डेली इट शुड गो ऑन इंक्रीजिंग। लंग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ लंग्स आर वीक ए टीबी पेशेंट कैनॉट सिंग, ताकत ही नहीं रहता। लंग्स कैपेसिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ योर वोकल कॉर्ड it go on increasing, it will get more stronger and stronger by practice, just like how you do yoga, how you do physical activities. I mean daily, supposing you go for 10 kilometer walk, 3 days nahi gaya, form idhar shuru hota hai. So isliye all the jo practice karna hai daily karna, guruji will tell you You do like this. Because ABC में A का how he perceives the rag
the capacity different. Another is, he doesn't understand, but he can reproduce. Third, 50-50. If I practice, ask you to practice, gare ga pa da pa gare ga pa gare sa, and one out of the ABC, A understand speed kya hai, pancham ka uchar kya hai, pancham gandhar ka, उसके हिसाब से वो करता है. अंदर 20 स्टूडेंट है, गुरु जी कैसा गाता है ना वैसा ही गाता है. ही डजंट अप्लाई हिज माइंड, बट ही कैन रिप्रोड्यूस, ही कैन कॉपी करने का शक्ति बहुत अच्छा रहता है. इमिटेशन, आर्ट ऑफ इमिटेशन. एंड थर्ड वन इज 50-50, इमिटेशन प्लस आल्सो विद कॉन्सेंट्रेशन. सो थ्री स्टूडेंट्स में किसको क्या, किसके किस पॉइंट पर ध्यान रखना वो है. और अच्छे गुरु बोलते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट को उनका प्लस एंड माइनस एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अभ्यास करके इनको द सम इज रॉन्ग ऑन द प्रोनंसिएशन, द गायकी अंग, गायकी स्टाइल, गायकी पद्धति जो घराना बोलते हैं ना, हाउ द घरानाज आर कम ड्यू टू द गायकी स्टाइल. Same raag can be sung in different styles. That becomes the gharana. Whatever, Gwalior gharana. But Gwalior gharana is the main parental gharana to so many gharanas. Baad mein Jaipur gharana, Jaipur Athroli, Agra gharana, and Kirana gharana, Patiala, Rampur gharana, bahut rangile gharana, bahut kuch gharana hai. But gharana, how it differs? Only style of singing. It differs person to person, even though they are disciples of the same guru. So, when I advise a 3 ABC student in different way, ये आपको इसमें ध्यान दो, इतना एक घंटा practice करो. So, according to in general, I am telling, if the boy or girl is about 7-8 years old, half an hour practice is maximum. एक 10-12 साल हो गया, 13 साल हो गया, एक घंटा. बाद में about 20 years, he must practice minimum 3 hours. 25-30 years, 5-6-7 hours. Max, he can practice 6-7 hours or 8 hours with full. But number of hours you can decide. During the number of hours, what you practice. All these stages of ragas, is where one half an hour concert. What are the half an hour concert? Mein introductory alap is there, bharat alap is there, astai, antara, lay, laykari, notation, taan mein sapat taan, sarad taan, jumping taans are there, revolving and rotating taans and hopping taan, different kind of taans are there. In different life. So, to complete, give a picture of one rag, how much one has to practice? Practice is not a performance. Aapka jo kamzor point hai, where you are weak, always Guruji pinpoints, this area is yours is weak. You have to practice. So, Guru will tell you, each student, depending upon their capability and their standard of producing that rag, some are extraordinary, born are there, lay samajh mein aata hai, taal samajh mein aata hai, rag ka grammar bhi samajh mein aata hai. So, if I take 6 months to learn one rag, you may take only 3 months. But you can't change the mass. There are 25 students, they were taking 6 months to sing one rag, but now they have to sing one rag within 30 days. It is not possible. Not at all possible. Only thing is, if you guide the student correctly, they are having a discipline about how many hours, how many minutes you practice, then
it depending upon the capability of the student, the period of practice changes. Main thing, and whether he is a 10 years old guy or 70 years old senior most performing artist, every day everybody should practice sur ka purity aana hi chahiye. The best kalakar jo hai uske paas gale mein sur hai, aur sur se he not only attracts the common people, he attracts the gurujan and gurijan also. It's a ek acha sa sangeet surel sangeet chal raha hai, everybody's attention is drawn. If you sing besur also it will wo bhi hota hai, but ek acha sa ek surel consistent long ek naad hum jo bolte hai na, naad hai jo sangeet mein jo upyog sur hai उसको लेंथ रहता है, प्रोनाउंसिएशन रहता है, इसको नाद बोलते हैं. संगीत में नाद है, सिर्फ साउंड नहीं, साउंड एंड नाद, साउंड एंड नाद आर डिफरेंट. सो प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट एंड द इवन द क्वालिटी ऑफ द गुरु एंड दैट इज द प्लीज प्लीज गुरु जी चाय पीते हैं ना, दैट इज प्रैक्टिस. बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा. और आशा करते हैं कि सभी लोगों को इससे कुछ सीख मिलेगा और कुछ समझ पाएंगे कुछ, और रियाज के ऊपर भी ध्यान देंगे. तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. प्रणाम. Yes.